सो हे गाइस, दिस सैम एंड आज के स्टूडियो में आपको बोलूँगा कि आप कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हो गूगल एडसेंस से एंड यहाँ पे कितना आपकी वेबसाइट को मिल सकता है अगर 1000 लोग आपके ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस के साइट पे आ रहे हैं तो इधर पे कितना पैसा आपको मिल सकता है वो आज के स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड ये पैसा आपको कैसे मिलता है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बोलने वाला हूँ। एंड अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है तो भी आपको यहाँ से अपनी अर्निंग के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाएगा, ठीक है। तो यार पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई गूगल एडसेंस क्या हमें व्यूज़ के पैसे देता है। तो भाई गूगल एडसेंस कभी भी आपको व्यूज़ के पैसे नहीं देता, गूगल एडसेंस आपको पैसे देता है ऐड के ऊपर क्लिक करने से। मतलब यहाँ पे अगर आपके वेबसाइट पे आए 1000 लोग, उनमें से 10-20 लोगों ने क्लिक किया तो आपको $5 से $6 दिया जाएगा, या फिर CPC ज़्यादा रहे यानी US का ट्रैफिक आया तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे इधर पे CPC रेट्स मिलेंगे एंड आपकी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी। मतलब आपको इधर पे गूगल एडसेंस क्लिक के पैसे देता है, कभी भी व्यूज़ के पैसे नहीं देता। और आपको इधर पे गूगल एडसेंस से ज़्यादा अर्न करना है तो आपको अपने क्लिक्स इधर पे इंक्रीज़ करने होंगे और क्लिक्स को इंक्रीज़ करने के लिए आप अच्छे अच्छे कॉन्टेंट को यहाँ पर लिख सकते हो या फिर अच्छे वीडियोज़ को डाल सकते हो यूट्यूब पर। यूट्यूब पर तो आराम से ऐसे पैसे बन जाते हैं अगर आपकी कैटेगरी अच्छी रहती है, ठीक है। और आपकी जो कैटेगरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर कोई जैसे कि मेडिटेशन एंड इस टाइप के वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आपकी CPC कम रहेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे टेक टाइप के वेबसाइट या फिर ब्लॉगिंग से रिलेटेड जैसे कि होस्टिंग वोस्टिंग के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे CPC मिलेंगे, यानी पर क्लिक पे आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, यानी दो क्लिक पे आपको $1 मिल सकता है और आप 1000 व्यूज़ में कम से कम $5 से $10 भी इधर पे निकाल सकते हो बड़े आराम से। एंड इस वीडियो में आपको बोलूँगा कि आप कैसे इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो, गूगल एडसेंस का बेस्ट अल्टरनेटिव भी क्या है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, तो उसकी भी सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको गूगल एडसेंस के बारे में बोल देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल है, अगर यूट्यूब चैनल पे आप ब्लॉगिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस डालते हो तो आपको आराम से 1000 व्यूज़ के $1 मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करें किसी कॉमेडी चैनल की तो आपको इधर पे मुश्किल से 20 सेंट 30 सेंट मिल पाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट की बात करूँ तो वेबसाइट को तो थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता है अगर आपकी कॉमेडी नीच पे भी वेबसाइट हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी वेबसाइट अगर यहाँ पे ब्लॉगिंग या फिर एफिलेट मार्केटिंग जैसी चीज़ों के ऊपर अगर होगा तो आपको इधर से ज़्यादा अर्निंग होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे CPC रेट ज़्यादा रहते हैं और आपको पर क्लिक पे अच्छा खासा CPC मिलता है। CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। और ये बहुत ही सही रहता है, इसको मैं खुद अच्छे से यूज़ करता हूँ। इवन कभी कभी तो मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि मेरे एड्स के ऊपर क्लिक कर दो तो उससे थोड़ा अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन आप सेल्फ क्लिक मत करो, एकदम गलत रहता है। आप अगर ज़्यादा क्लिक करोगे तो आपका एडसेंस बैन हो जाता है, इसलिए लोगों को ऑर्गेनिकली क्लिक करने को बोलो। कुछ भी ऐसे मत बोलो कि भाई 3-4 क्लिक कर दे मेरे को अर्निंग चाहिए, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो अब हम इधर पे बात कर लेते हैं कि भाई US में आपको गूगल एडसेंस के यहाँ पे ज़्यादा अच्छे CPC रेट्स क्यों मिलते हैं और आपको ज़्यादा यहाँ पे जो है डॉलर्स क्यों मिल जाते हैं 1000 व्यूज़ में। देखो US में इधर पे बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट्स को रन करते हैं एंड उनकी कंपटीशन ज़्यादा रहती है, इसलिए उनकी CPC रेट ज़्यादा होती है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया पे यहाँ पे लोग बहुत कम एड्स को रन करते हैं, इसलिए यहाँ पे एड के वैल्यू बहुत नीचे रहते हैं, तो इसलिए हमें इधर पर क्लिक पे बहुत ही कम पैसा मिलता है, क्योंकि इधर पे कोई कॉम्पिटिशन है नहीं और बिटिंग्स में बहुत ज़्यादा इधर पर कम मिलती है हमें CPC। और इसलिए यहाँ पे इंडिया में हमारी CPC डाउन रहती है अगर हमारी इंडिया से डेडिकेटेड कोई वेबसाइट है। अगर हमारी US या फिर ग्लोबली भी ट्रैफिक आता है तो हम ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि उधर पे ऐड की कंपटीशन ज़्यादा रहती है और पर क्लिक पे, इसलिए हमें ज़्यादा अच्छा अर्निंग यहाँ पे मिल जाता है अगर हमारी वेबसाइट US से ट्रैफिक ला रही है। तो अगर आप किसी वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हो तो उस वेबसाइट पर अगर आपका US से ट्रैफिक आता है तो आपको इधर पर बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। एंड इवन आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी अगर करोगे तो एफिलिएट मार्केटिंग की ज़्यादा अच्छी कमीशन US से ही मिलती है और सब जगह पे US से ही ज़्यादा अच्छा कमीशन यहाँ पे मिलता है एंड एड क्लिक्स का भी पैसा मिलता है। किसी भी कीवर्ड का CPC रेट पता करने के लिए आप गूगल के कीवर्ड प्लानर में जा सकते हो एंड उसके हिसाब से आप अपने एक CPC ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल को लिख सकते हो, जिस आर्टिकल को लिखने से आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हो। और देखो इधर पे बहुत सारे लोग मुझको पूछते रहते हैं कि भाई आपने ये वाली कीवर्ड रिकमेंड कर दी, इसकी CPC तो 0 है। देखो अगर जैसे कि यहाँ पे एक कीवर्ड, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन है जिसके इधर पे CPC है 0, लेकिन उसमें मेक मनी ऑनलाइन एक और कीवर्ड इंक्लूड हो रहा है जिसका CPC $4 है, तो उधर पे सिर्फ उसी चीज़ को गूगल एडसेंस लेगा और उस पर एड्स दिखाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि उस पूरे के पूरे कीवर्ड को देखता है एक सिर्फ
कीवर्ड के हिसाब से, उस पर वो कितने कीवर्ड्स निकाल सकता है वो सब भी देखता है। ये एक कंटेंट की तरह होता है। और यहाँ पे गूगल एडसेंस का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है जो आपको कम पैसे बिल्कुल भी नहीं देता, और यहाँ पे आपको पर क्लिक का भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और इवन यहाँ पे बहुत लोग बहुत ही अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। लेकिन इसकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो सारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये मीडियावाइन आपको गूगल एडसेंस से ज़्यादा अच्छा पैसे देती है, और आपको 10,000 भी व्यूज़ आता है मंथली का, आप इससे बहुत ही अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। मीडियावाइन आपको हाई CPC रेट्स के ऐड दिखाती है, एंड यहाँ पर क्लिक का आपको बहुत ही अच्छा खासा जो है पैसा मिल जाता है। आपको अगर इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, आपको अगर इधर पे मीडियावाइन में अप्लाई करना है, तो आपको इसकी वेबसाइट पे आना है। आपको गूगल पे इधर पे सर्च कर देना है मीडियावाइन, एंड उसके बाद आपको अप्लाई नाउ बटन में क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ पे गूगल डॉक करके खुल जाएगा, और उधर पे बस आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है अपने वेबसाइट के लिंक के साथ। और यहाँ पे थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती है जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो इधर पे देखो, सबसे पहले तो ब्लॉग स्पॉट वाली वेबसाइट्स को ये लोग अप्रूवल नहीं देते, तो ब्लॉग स्पॉट वाले लोगों को यहाँ पे नहीं मिल सकता, लेकिन जिनकी भी TLD डोमेन्स है उनको आराम से यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। और देखो, आपकी वेबसाइट पे कम से कम मंथली के 25K सेशंस रहने चाहिए। अगर मैं आपको इधर पे दिखाऊँ, ठीक है, इधर पे आप देख सकते हो कि पेज व्यूज़ की बात यहाँ पे नहीं कर रहा, मतलब इधर पे ट्रैफिक की बात नहीं हो रही है। आपके वेबसाइट पे यहाँ पे सेशंस तभी काउंट होते हैं जब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है, मतलब डाउनलोडिंग वाउनलोडिंग इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी होता है, या फिर किसी और पेज पे कुछ जाता है बंदा, तो उस पे सेशन काउंट होता है। एंड आपको अगर मंथली का यानी हर महीने आपको 25K यानी 25,000 सेशंस आने लग गए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एंड बहुत ही अच्छा खासा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कम व्यूज़ पे भी बहुत ही अच्छा खासा पे करता है मीडियावाइन, एंड इसकी एड्स बहुत ही अच्छी खासी रहती है, लोग अच्छे से क्लिक भी कर देते हैं, आपको अच्छी खासी CPC मिल जाती है। आप इवन यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस को भी देख सकते हो, वहाँ पे भी इसकी बहुत सारी तारीफ की गई है। और आप इधर पे ज़ीरो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू कर सकते हो, ताकि आपको ट्रैफिक आने लगे, आप थोड़े बहुत सेशंस यहाँ पे इकट्ठा करने लगो। सेशंस इकट्ठा करने के बाद आप यहाँ पे मीडियावाइन पे अप्लाई कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक सब्सक्राइबर के कहने पे ये वीडियो बनाया है, उसको इधर पे चाहिए था कि भाई मीडियावाइन को एक बार दिखाओ कि उस पे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, मीडियावाइन पे अप्लाई करने के लिए आपको इधर पे 25,000 सेशंस चाहिए एक महीने के अंदर, यानी 30 डेज़ के अंदर, एंड उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपको जो सेशंस है, ठीक है, वो आपके गूगल एनालिटिक पे दिख जाएगा। आप अपने वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक को लगा दो, एंड आप गूगल एनालिटिक्स जब चेक करोगे वो आपका आपके सेशंस दिखेंगे। एंड मेरी खुद की नई साइट्स की जो इधर पे स्टार्टिंग की सेशंस रहती है वो 500 रहती है जब वो स्टार्ट होती है, एंड कुछ एक साल तो लग ही जाते हैं यहाँ पे 30,000 to 40,000 सेशंस कंप्लीट होने के लिए पर मंथ का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर सेशंस कंप्लीट करना है उतना ज़्यादा, जिससे कि आप यहाँ पे मीडियावाइन के लिए अप्लाई कर सको, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो गूगल एडसेंस को यूज़ करने के बाद। आपको इसको यूज़ करने के लिए पहले गूगल एडसेंस को हटाना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 25K सेशंस के बाद। मीडियावाइन आपको पर क्लिक का बहुत ही अच्छा खासा दे देता है, एंड आप 1,000 व्यूज़ का, सिर्फ 1,000 व्यूज़ का यहाँ पे $10 तक भी कमा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग इतना अर्न करते हैं, आपको जितनी ज़्यादा क्लिक्स आएंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसकी CPC रेट्स बहुत ज़्यादा है मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे मीडियावाइन से भी बहुत सारे लोग अर्न करते हैं, लेकिन मीडियावाइन के लिए अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। लेकिन आप इस पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग जाता है, तो आप यहाँ पे क्वेरा का भी ट्रैफिक यूज़ कर सकते हो। आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप क्वेरा मीडियावाइन के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा, और अच्छे खासे सेशंस इकट्ठा करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करके अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। इसको सोशल ट्रैफिक से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यूट्यूब वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो। 25K सेशंस ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्गेनिकली आए, अपने दोस्तों का भी हेल्प लेके यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, एंड आपको अच्छे से यहाँ से जो है बहुत ही अच्छा खासा जो है अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हो, पिंटरेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, क्वेरा, मीडियम, जितनी भी साइट्स रहती हैं उनका यूज़ करके अपना सेशंस बढ़ा सकते हो। सेशंस को मंथली कंप्लीट करने से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपके सारे डाउट्स कंप्लीट कर दिए, और इसका एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव भी बता दिया। आज के इस वीडियो में मैंने आपका डाउट क्लियर किया कि आप कितने ज़्यादा अर्न कर सकते हो 1,000
व्यूज़ पे अपने साइट पे। एंड इसकी एक सबसे अच्छी अल्टरनेटिव क्या है वो भी मैंने आपको बोल दिया, मीडिया बाइंग के लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी साइट का 25K सेशंस है। और अभी तो इवन गूगल एडसेंस का जो एडवर्टीजमेंट है वो पॉज हो गया है, मतलब आप अभी अप्रूवल के लिए नहीं भेज सकते, उस पर टाइम लग रहा है। अभी कम से कम आपको 4 से 5 महीना लग जाएगा, अगर आप अभी भेजते हो तो उसको टाइम लगेगा, मतलब डीले हो रहा है, पॉज भी नहीं हुआ है, लेकिन पॉज जैसा आप कह सकते हो कि उस पर डीले हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप तब तक के लिए यहाँ पे पेज व्यूज़ इकट्ठा करके, बहुत अच्छे सेशंस इकट्ठा करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो मीडियावाइन पे, एंड आपका अप्रूव होती है आप यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक करो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए, और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पे SEO की बहुत सारी और भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, और आप अपने वेबसाइट को कैसे ग्रो कर सकते हो, मीडियावाइन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। एंड इवन मैं यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के जो SEO कोर्स रहते हैं वो भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, एंड इवन आपको एक प्रो सिखाने वाला है यहाँ पे, तो मैं एक प्रो बंदे को यहाँ पे लाने वाला हूँ, एंड आपको पूरे प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पे। तो बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिख थोड़ा सा ब्रेक।